हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या आपको पता है फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है? इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रंट का डिज़ाइन जो है किस तरह से लिया जाता है ब्रिक वर्क की मदद से। जैसे कि आप यहाँ पर फुल व्यू देख रहे हैं इस घर का। जब भी आप 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन लेते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस यही रहता है। सेम यही प्रोसीजर ऑल ओवर इंडिया, मेरे ख्याल से हमारे एरिया में तो फॉलो करते हैं। ब्रिक की मदद से जो है थोड़ा उसको फ्रंट बैक इस तरह से लिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, और एक चीज़, इसको सपोर्टिंग कैसा दिया जाता है वो एक आपके मन में रहता है ना। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, नेल्स देख रहे हैं ना आप नीचे, रॉड की मदद से क्या है, नेल का सपोर्ट दिया गया है उस ब्रिक वर्क को। उसके बाद ब्रिक को क्या है, चिटकाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट और सीमेंट पेस्ट, मान लीजिए उसे, उसके अंदर कोई कंकर नहीं रहता। इसमें थोड़ा सा सीमेंट का यूज़ ज़्यादा होता है और ये फुल ब्रिक से 3 इंच का ब्रिक, मोटाई में 3 इंच रहते हैं। ये टावर हेडरूम, ये टावर देखिए, ये भी ऐसे बनाया जा रहा है और ये फुल ग्लास वर्क आता है, फुल के वो पूरा फुल ओपन छोड़े गया। ये टावर रूम, इसीलिए कहीं पर भी जब भी आप प्लास्टरिंग करते हैं ना, प्लास्टर के लिए एक्स्ट्रा फ्रंट एलिवेशन के लिए क्या एक्स्ट्रा फीस रहता है वर्कर्स का। ओके दोस्तों, आफ्टर प्लास्टिंग और एक मैं बताऊंगा कैसा था बिफोर आफ्टर। थैंक यू।